प्रॉब्लम में बोल रखा है कि फंक्शन आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ डबल डैश एक्स माइनस फाइव टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस सिक्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन दे रखी है, एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है और एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। यहाँ पर ए एंड ये मल्टीप्लाई में एच ऑफ बी ऑफ एक्स, यहाँ पर एच एक फंक्शन हो सकता है और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ ए एक्स, यहाँ पर एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ जीरो। यहाँ पर एच एक फंक्शन है वो तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो अपन को कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एफ डबल डैश एक्स माइनस फाइव टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस सिक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये अपन को यहाँ पर दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो ये चीज अपन को यहाँ पे दे रखी है। सो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, एफ डबल डैश एक्स माइनस टू टाइम्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर थ्री टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को, ये जो इतना वाला पार्ट है इसको मैं कुछ जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ, मान लिया यहाँ पे जी ऑफ एक्स। तो ये तुम चेक करोगे, ये इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पर बेसिकली जी ऑफ एक्स ये माना, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा जो कि एक्चुअली में तुम्हें ये दे रखा है। सो यहाँ पे जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री टाइम्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्चुअली में। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जी डैश एक्स माइनस थ्री टाइम्स जी ऑफ एक्स, यहाँ पर ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट देख ही सकते हो, माइनस थ्री डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर ये। सो ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। सो यहाँ पर इसको इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। सो यहाँ पर थ्री टाइम्स जी ऑफ एक्स एंड ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स, यहाँ पर ये अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी और यहाँ पर तुम इसको इस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी मल्टीप्लाई बाई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो तुम्हारा यही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये जो जी मल्टीप्लाई बाई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं जी ऑफ जीरो की वैल्यू निकालता हूँ, तो जी ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं निकालू तो वो क्या हो जाएगी, मैंने माना क्या था इसको, ये माना था। तो यहाँ पर बेसिकली ये एफ डैश जीरो माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो हो जाएगी। सो मेरे पास यहाँ पर दोनों वैल्यू दे रखी है। सो यहाँ पर एफ डैश जीरो की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर चेक करूँ तो जीरो दे रखी है एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी बन दे रखी है। सो बेसिकली ये तो जीरो एंड ये माइनस टू, सो अपना ये जो यहाँ पे है माइनस टू आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरा जो मिनिमम एक्स है, एक्स यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे रखा है कंडीशन में। सो यहाँ पर मैंने जीरो पे निकाल ली। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो मेरा जी ऑफ एक्स ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स की वैल्यू तो वन हो जाएगी और बेसिकली यहाँ पर जी ऑफ जीरो अपन को निकालना था जो अपन ने निकाल लिया माइनस टू। सो ये बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन था और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होगा, मैं इस तरीके से इसको बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो कि एफ डैश एक्स माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स है और इसको मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यहाँ पे ये सॉरी माइनस टू टाइम्स ई रेस टू पावर थ्री एक्स, इस तरीके से आ जाएगा ये। सो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे बोला। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, मैं अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो ई रेस टू पावर माइनस टू टाइम्स डी एक्स आ जाएगा। सो ये इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, यहाँ पर बेसिकली ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, इसको यहाँ पर इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली जब इसको इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स माइनस यहाँ पर तुम्हारे पास टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ई रेस टू पावर थ्री एक्स, तो फिर ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर पॉजिटिव है ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो इससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो इस चीज का ध्यान रखो। सो यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स बनेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये बेसिकली कितना आ रहा है, माइनस टू टाइम्स यहाँ पर ये ई रेस टू पावर यहाँ पे एक्स आ जाएगा इस तरीके से। सो मेरा इस तरीके से आ रहा है मेरे पास। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स प्लस यहाँ पर इसको टू टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो अब मैं क्या बोल सकते हैं, जो एफ ऑफ एक्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स है प्लस टू टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ पे बेसिकली अगर जीरो पे चेक करें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अपन को यहाँ पर बंदे रखी है, सो बेसिकली थ्री आ रही है वैल्यू। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स प्लस टू टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स वो एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। सो ऐसा अगर मैं एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे बात करूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री माइनस टू ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय
ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस टू टाइम्स ई रेस टू पावर 3x, इस तरीके से आ जाएगा। सो अब तुम इसको गिवन फॉर्म से कंपेयर करो। सो गिवन अपन को क्या था यहाँ पर, ये दे रखा था। सो ये टाइम्स एच रेस टू पावर बी एक्स, तो अपना क्या आया था यहाँ पर 3 टाइम्स ई रेस टू पावर 2x माइनस 2 टाइम्स ई रेस टू पावर 3x। तो यहाँ पर ये बी की वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक तो एच ऑफ एक्स तो ई रेस टू पावर एक्स हो जाएगा, तो एच ऑफ बी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर ई रेस टू पावर बी एक्स। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड वैसे ही ए की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, और बेसिकली तुम्हें ये निकालना है। सो ए प्लस बी 5 हो जाएगा। एच ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से चेक करोगे तो ई रेस टू पावर 0 आएगा जो कि 1 होता है। सो जो अपना आंसर है 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब तुम्हें अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।